हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी स्पोर्ट हिंदी। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैलेंटाइन डे के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता था कि वैलेंटाइन डे के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो आज मेरी जो वीडियो है वो स्पेशल वैलेंटाइन डे के ऊपर है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बैनर बनाएंगे। बैनर आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, उसके रिकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा बैनर बना सकते हैं और किस तरह उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो एक बैनर मैं नेट से लूँगा, उसे डाउनलोड करूँगा और उससे एक के ऊपर ही एडिटिंग करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप किसी वीडियो के ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं और कैसे अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। तो और जो तीसरी वीडियो होगी उसमें हम एक कंबाइंड बनाएंगे, पूरा ही एक 3D बैनर के ऊपर काम करेंगे। तो पहली वीडियो में हम बैनर बनाएंगे और बैनर के ऊपर आपको बताऊंगा कि वैलेंटाइन डे के ऊपर आप कैसे अपने दोस्तों को एक बहुत अच्छा बैनर भेज सकते हैं विद अपने डिज़ाइन के साथ। तो चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आप सबसे अपील करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन का बटन के ऊपर प्रेस नहीं करेंगे, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। फ्रेंड सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पोस्टर माई वॉल के बारे में। पोस्टर माई वॉल एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसे हमें कभी भी रजिस्टर करने की या लॉगिन करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, ना ही इसे इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है हमने सिस्टम में। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और दूसरी बात ये, आप इसमें हाई डेफिनेशन वीडियो हो या फिर कोई एमिनेशन हो या फिर कोई बैनर हो, वो सीधा ही डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट किसी वाटरमार्क के। तो आज हम एक बैनर के ऊपर काम करेंगे। मैं बैनर को सिलेक्ट करूंगा गूगल से और उसके ऊपर एडिटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड, मैं क्रिएट पे गया। क्रिएट के बैनर के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, क्लिक किया, मैंने बैनर ऑलरेडी एक सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, ये मैंने बैनर एक सिलेक्ट किया हुआ। हम इसका मैं साइज़ देखना चाहता हूँ कि क्या साइज़ है, और ये 1813 है इसका साइज। तो हम यहाँ आके लिख देंगे 1813 और क्रिएट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, उस बैनर को यहाँ से सीधा जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट डाउनलोड होने के बाद आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कितने बैनर को यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही आप कितना एरिया लेना चाहते हैं आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा ही हम विदाउट किसी रजिस्टर या इंस्टॉल करने के बजाय इस वेबसाइट का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। देखिए फ्रेंड, हम चाहें तो बैनर को इतना हिस्सा यूज़ करें या इतना हिस्सा यूज़ करें, ये हमारे ऊपर है, हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। या फिर आप पीछे जाके फ़ोटो के जो हमने भी डाला था साइज़ इसका 1813, तो उस पर भी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपका बैनर आपके सामने आ जाएगा। अब मैं जो बैनर बनाऊंगा वो मैं अपनी कैंपेन का बनाऊंगा, मतलब कि जो मेरा लोगो होगा, जो मेरी वीडियो की ऊपर जो थंबनेल होता है वो वहाँ लगेगा। तो आप भी बैनर बना सकते हैं। देखिए वैलेंटाइन डे लिखा हुआ है, स्पेशल लिखा हुआ है, आप इसके साथ कुछ ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप जैसे कि कोई फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कोई फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ अपने बैनर के लिए कि जो मेरे थंब इमेज पे लगेगी, तो मैं उस पर आके यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लूँगा। बड़े ही सिंपल टूल है, कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो कि आपको समझ ना आए, आपको बस एक बार टूल यूज़ करना आना चाहिए बस। देखिए मैंने टूल यूज़ किया, टूल यूज़ करने के साथ ही मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया। फ्रेंड बड़ा ही सिंपल टूल है। पहला टूल पे आप फोटो सीकर फेसबुक के ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर कुछ भी उठा सकते हैं जो ऑनलाइन हो। दूसरे टूल के ऊपर आप वीडियो ले सकते हैं। तीसरे टूल के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर फॉन्ट लिख सकते हैं। ये आप टेक्स्ट को चूज़ कर सकते हैं इसमें से कि कौन सा चॉइस आपने चलाना है टेक्स्ट। तीसरे पे आप लेआउट ले सकते हैं, इसमें आप बैकग्राउंड ले सकते हैं और इसमें आप शेप ले सकते हैं। अलग अलग तरह की आपको शेप मिलेगी, आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टूल है, कोई भी ऐसा टूल नहीं है कि जिस पे आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ, देखिए कि मैंने कोई टेक्स्ट लिया यहाँ पे, अभी मैं टेक्स्ट लिखने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे स्पेशल वीडियो लिखना चाहता हूँ मैं नीचे। तो मैं यहाँ पर आके VIDO लिख दूंगा। अब वीडियो लिखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो फ़ॉन्ट का स्टाइल मुझे देना पड़ेगा। तो ये फ़ॉन्ट के ऊपर आएँ, फ़ॉन्ट के ऊपर आने के बाद आप इसको देखें कि कौन सा फ़ॉन्ट है ये।
मैं इस फ़ोन को सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं ये फ़ॉन्ट का स्टाइल इस फ़ोन के साथ मिलता है। हाँ मिल रहा है स्टाइल इसका, तो हम इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। मैं थोड़ा और करना चाहूँगा इसका साइज़ इंक्रीज़। देखिए फ्रेंड इसका साइज काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, पर आप सोच रहे होंगे कि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वैलेंटाइन डे स्पेशल वीडियो, तो स्पेशल वीडियो तो है बट आप सोच रहे होंगे कि हमें वो कलर कैसे पिक करना है। आपने कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए कलर की ऑप्शन आ रही है नीचे, आप यहाँ पे आके पिक के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आके आप वो कलर पिक कर सकते हैं। पर कलर पिक करने का इसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वो हमारा कलर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसे विदाउट पिक की चलेंगे। तो मैं इसे वाइट ही रखूँगा अभी, तो हम इसे वाइट कर लेते हैं। मैं वाइट कर रहा हूँ इसे कि स्पेशल वीडियो, वैलेंटाइन डे स्पेशल वीडियो। अब आप चाहते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशन लगाना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं वैलेंटाइन डे के ऊपर, तो आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे जाने के बाद आप वैलेंटाइन डे लिख लीजिए यहाँ पे और एंटर कर लीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आप PNG लिखिए, PNG इमेज उठाइए और इमेज के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि काफ़ी तरह की वीडियो फोटोज़ वगैरह आ रही होंगी, तो आप चाहते हैं कि कुछ लगाएं। मैं चाहता हूं कि मैं ये हार्ट लगाना चाहता हूं अपने वहाँ पे, तो पहले तो मैं देखना चाहता हूं कि ये PNG है या नहीं है। पहले तो हम देख लेते हैं, मैं इसे सेव करूँगा। हाँ ये PNG तो बोल रहा है, पर हम सेव करके इसे डेस्कटॉप पर ले आते हैं। मैं दोबारा अपनी बैनर पर जाऊँगा और जाने के बाद मैं दोबारा फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं दोबारा इसे अपलोड करूँगा यहाँ पर। फ्रेंड बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपल वे से हो जाता है काम, पर इसका बैकग्राउंड वाइट है तो हम इसे कैंसिल करेंगे। हमें वो चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट ना हो, तो इसका ट्राई कर लेते हैं एक बारी। ये JPG बोल रहा है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं इसे भी, क्योंकि इसका बैकग्राउंड हमें लग रहा है कि वही हो। तो दोबारा से हम जाएंगे दोबारा पे फ़ोटो के ऊपर, दोबारा पे क्लिक करेंगे। दोबारा से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये भी नहीं होगा तो हमें कोई PNG देखना पड़ेगा, कोई अच्छा सा PNG जो कि अच्छा लगे। नहीं ये भी नहीं चलेगा PNG की फ़ोटो, आप कुछ और फाइंड कर लीजिए। आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, आप हार्ट लगा सकते हैं, हार्ट ले लीजिए। अगर हार्ट आपको PNG मिल रहा है तो आप ये PNG हो सकता है हार्ट, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, सेव करूँगा एंड डेस्कटॉप पे ले जाऊँगा। डेस्कटॉप पे ले जाने के बाद मैं इसे दोबारा अपलोड करूँगा, अपलोड करूँगा यहाँ से एंड अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि फ़ोटो को अपलोड करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपका। बट जैसे ही अपलोड हो जाएगा, देख लीजिए ये हार्ट आ गया आपका अपलोड करके, तो आप इस हार्ट को किसी भी तरह किसी भी वे से यूज़ कर सकते हैं। मैं इस हार्ट को यहाँ पे लगा सकता हूँ, मैं इस हार्ट को यहाँ भी लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हार्ट के ऊपर वीडियो वाई लिखा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे आप आके क्लिक कीजिए 2 बार, तो ये हार्ट के ऊपर चल जाएगा वीडियो वीडियो का। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं हार्ट के ऊपर, तो मैं हार्ट को बेशक छोटा भी कर सकता हूँ। छोटा हार्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐसे वीडियो भी लिख सकता हूँ, वीडियो भी बना सकता हूँ, ऐसे वीडियो का लोगो भी डाल सकता हूँ। आप जो भी करना चाहें, जैसे करना चाहें आप, वैसे ही इसमें आपको पूरी की पूरी छूट मिलती है। फ्रेंड अगर आपकी कोई इंक्वायरी या क्वेश्चन है इस टूल के बारे में, अगर आपको ये टूल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप मुझे बताइए, क्योंकि इस टूल में आपको फ्री हैंड वर्क है, आपको कोई भी चीज़ रजिस्टर या डाउनलोड करनी नहीं पड़ती ना ही इंस्टॉल करना पड़ती है। क्योंकि डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल क्लिक करना है, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी JPG डाउनलोड हो जाती है। JPG को डाउनलोड करके आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने कॉपी करके अभी JPG को डेस्कटॉप के ऊपर रखूँगा। ये मैंने इसे डेस्कटॉप के ऊपर रख लिया और डेस्कटॉप के ऊपर रखने के बाद मैं ये आपको खोल के दिखा रहा हूँ। बड़ा ही सिंपल वेव है, आप अच्छा सा अपने फ्रेंड के लिए बना सकते हैं, कुछ भी बनाना चाहें, ग्राफिक हो, वीडियो हो या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो के ऊपर कैसे काम किया जाए, और ये वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।